Make sense? Anybody, please come on. Try to figure out what is the way of sending data electronically, the key electronically, without using symmetric cryptography. Fahim, aapka kya khayal hai? Okay, so Fahim says he has no idea and he's thinking about other options. Do you understand the problem first of all, Fahim? Issue clear hai? Okay. Nasir, aap bataiye kya hal ho sakta hai? Sorry sir, kis cheez ka? सवाल ये है कि जो हमारी अभी एक डिस्कशन चल रही है कि जब आप सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में इनक्रिप्शन करते हैं तो आपको की चाहिए होती है डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए और वही की दूसरी साइड को मालूम होनी चाहिए डिक्रिप्ट करने के लिए. अब ये जो की है जो दूसरी साइड को मालूम होनी चाहिए ये उस तक कैसे पहुंचाई जाएगी? एक तरीका तो ये है कि मैं खुद फिजिकली जाऊं, मेरे दिमाग में वो नंबर है, वो नंबर जाके मैं खुद फिजिकली वहां पर पहुंच के उसको फीड कर दूं सिस्टम में, और आइंदा आने वाले जो कीज हैं वो हम उस सिक्योर चैनल की एस्टेब्लिशमेंट के बाद उसके जरिए आइंदा आने वाली कीज इनक्रिप्ट कर ही लिया करेंगे. लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे फिजिकली जाना पड़ रहा है, या कोई मेरे बिहाफ पे जाएगा जिसको जिस पे मैं ट्रस्ट करता हूँ. तो ये भी पहला जो की का तबादला है उसको मैं फिजिकली खुद जाकर करने की बजाय या कोई मेरे बिहाफ पर करे उसकी बजाय मैं चाहता हूँ ये इलेक्ट्रॉनिकली हो. सर उसके लिए आप डिफी हेलमन को हायर कर सकते हैं, डिफी हेलमन आपके बिहाफ के ऊपर ये काम करेगा. ओके एक तो डिफी हेलमन हो गया और दूसरा आप एसिमेट्रिक को इनक्रिप्शन को अगर यूज करेंगे तो वो आपको ये फैसिलिटी दे देगा कि दो पार्टी जो अननोन है उनके दरमियान आप एक सिक्योर कनेक्शन को एस्टेब्लिश करके तो एसिमेट्रिक की को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं. परफेक्ट, सो दैट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस. लीजिए सिक्योर की का जो हल हमें नासिर ने भी बताया डिफी हेलमन, यही हमारा अगला टॉपिक है. डिफी हेलमन एल्गोरिदम DH, ये एल्गोरिदम बनाया ही इसलिए गया है कि जिस अभी इशू में हम स्टक हो गए थे उस इशू को हम रिजॉल्व कर पाए. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड डिफी हेलमन प्रिसाइजली हाउ डज इट वर्क. मसला क्या था कि मेरे पास एक की है और मैं चाहता हूं कि वो दूसरी साइड के ऊपर जो की हो उसके बराबर हो जाए, यानी ये दोनों अतराफ की कीज एक हो जाए. तो इसका जो अभी हमने एक फीलर लिया है कि यार ये कैसे करें इलेक्ट्रॉनिकली, ये काम 1976 में इन मैथमेटिशियंस ने कर दिया है, विटफील्ड डिफी एंड मार्टिन हेलमन, इन दोनों के नामों पर है ये एल्गोरिदम डिफी हेलमन. और ओरिजिनली इसका जो आइडिया दिया था वो राल्फ मर्कल ने दिया था, लेकिन इसका जो क्रेडिट लिया इवेंचुअली प्रैक्टिकल फॉर्म में वो इन दो साइंटिस्ट्स ने लिया 1976 में. इन्होंने ऐसा क्या मैजिक कर दिया मैथमेटिक्स की दुनिया में जिसकी बेस पे हमारा ये मसला हल हो गया कि हम अपनी इनिशियल की दूसरी साइड को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट कर सकते हैं और विद पीस ऑफ माइंड. ये अब इन्होंने कैसे किया ये एल्गोरिदम. सो सीक्रेट की इज वाइटल फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्रोसेस टू वर्क. डिफी हेलमन की एक्सचेंज एल्गोरिदम इज अ मेथड ऑफ सिक्योरली एक्सचेंजिंग क्रिप्टोग्राफिक कीज ओवर अ पब्लिक चैनल. पब्लिक चैनल से मुराद आप इंटरनेट लिख लें. आप इंटरनेट जैसे अनसिक्योर नेटवर्क के ऊपर अपनी सिमेट्रिक की का तबादला करेंगे विद एब्सोल्यूट पीस ऑफ माइंड के कोई मैन इन द मिडल मेरी की को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मुझे फिजिकली अब मूव करने की जरूरत नहीं है थैंक्स टू देयर वर्क डिफी और हेलमन. सो DH इज वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक की एक्सचेंज इंप्लीमेंटेड विद इन द फील्ड ऑफ क्रिप्टोग्राफी. This is not exactly public key cryptography, but it is somewhere in between symmetric and asymmetric cryptography. तो ये कैसे काम करता है ये idea, let's talk about that in
First of all, in colors language, and then we will talk about its mathematical formula. So Alice और Bob, इन दोनों ने आपस में electronically key deliver करनी है. कॉन्सेप्ट ये है कि ये सबसे पहले एक कॉमन पेंट का इंतखाब करेंगे. कॉमन पेंट का कलर है येलो, तो इसका मतलब है कि ये जो यहाँ पर सी है इनके दरमियान, उसको भी पता चल गया येलो. नो प्रॉब्लम, ही ऑल्सो अंडरस्टैंड. इन्होंने ओपन टॉक की है आपस में म्यूचुअली कि लेट स्टार्ट विद येलो कलर. उसने भी सुन लिया है, उसने भी उतनी क्वांटिटी येलो कलर की अपने पास रख ली है. ठीक है, इसके बाद इन्होंने इसमें सीक्रेट कलर्स मिक्स किए हैं जिसका उन्होंने किसी और को नहीं बताया. इसने साइन कलर पिक किया, इसने रेड कलर पिक किया, और इनका अब इन्होंने एक दूसरे से जिक्र तक नहीं किया, लिहाजा सी को अब उस कलर का नहीं पता जो येलो में मिक्स किया दोनों ने. सो इवेंचुअली इसके पास ऑरेंज कलर बन गया इनको मिक्स करने के बाद, और इनको इसके पास मिक्स करने के बाद ब्लू कलर बन गया. तो पहले इन्होंने एक दूसरे के साथ येलो का वर्ड बोला था, अब ये ओपनली एक दूसरे के साथ वर्ड बोलेंगे ब्लू एंड ऑरेंज. दिस इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो इसको ये भी पता चल गया ब्लू, इसको ये भी पता चल गया ऑरेंज. ये सुन लिया इसने, ठीक है. अब ये जो कलर दूसरी साइड से मौसूल हुआ, इस कलर के अंदर जब आप अपना प्राइवेट कलर मिक्स करेंगे तो रिजल्टेंटली एक कलर बनेगा. सो आपने दूसरी साइड के प्राइवेट कलर की अमेजिश वाले रंग को जब अपने प्राइवेट कलर में ऐड किया तो एक फाइनल कलर बना. हैरत अंगेज तौर पर दूसरी तरफ भी जब आपके प्राइवेट अमेजिश वाले कलर के दरमियान के अंदर वो अपना प्राइवेट कलर मिक्स करेगा तो हैरत अंगेज तौर पर जो दोनों तरफ कलर्स बनेंगे वो इक्वल हो जाएंगे. ये इसके पीछे जो मैथमेटिक्स चल रहा है ये उसका मैजिक है जो कि आपको कलर्स से एक्सप्लेन किया गया. क्योंकि इस शख्स को प्राइवेट कलर्स का नहीं पता जो दरमियान में यूज हो रहे हैं, रेड और साइन कलर, इन दोनों कलर्स का इसको नहीं पता. क्योंकि इसको इन दोनों कलर्स का नहीं पता, ये कभी भी उस कलर तक नहीं पहुंच सकता जो इवेंचुअली दोनों ने डिराइव कर लिया है. एंड दिस विल एक्ट एज योर कॉमन सीक्रेट और योर मास्टर की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू अंडरस्टैंड इन दिस कलर फिनोमेना हाउ डज डिफी हेलमैन वर्क एंड व्हाट इज द टारगेट ऑब्जेक्टिव, और इस दौरान कितनी बातें मैन इन द मिडिल को पता लग जाती हैं और क्या नहीं पता होता जिस वजह से वो रिजल्ट नहीं कैलकुलेट कर सकता. डू यू अंडरस्टैंड इट एज अ होल? फहीम, यू गॉट दिस आइडिया? सर आइडिया तो बेसिकली पता लग गया है, लेकिन एक चीज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है कि ये जो जब उन दोनों ने आपस में पब्लिक ट्रांजिशन की अपना सीक्रेट कलर मिलाने के बाद, उसके बाद उन्होंने दोबारा अपना वही कलर दोबारा उन्होंने ऐड किया, तो एक जो हमारा डेस्टिनेशन जो एक कलर है वो बन गया, मतलब जो एंड रिजल्ट है वो बन गया. लेकिन ये चीज कैसे डिफाइन की कि हमने वही कलर यूज करना है तो हमें ये जो हमारे में पहले यूज किया था वही जो दोबारा यूज करेंगे तो फाइनल जो है वो प्रोडक्ट बनेगी, ये कैसे पता लगा? ये देखिए, इसने फर्स्ट टाइम भी यही यूज किया है और सेकंड टाइम भी यही यूज किया है. इसने फर्स्ट टाइम भी यही यूज किया है और सेकंड टाइम भी वही यूज किया है. फर्क सिर्फ इतना सा है कि इन्होंने अपने कॉमन कलर के अंदर अपना एक एक सीक्रेट कलर मिक्स करके एक दूसरे को दे दिया है. यानी वो जो प्राइवेट की थी ना आपकी, वो आपके पास ही रही है. ये जो रेड कलर है, दिस इज काइंड ऑफ योर प्राइवेट की. इधर ये जो ग्रीन सा कलर है, दिस इज काइंड ऑफ योर प्राइवेट की ऑन बॉब साइड. वो कभी भी नेटवर्क पर ट्रेवल नहीं हुई, लेकिन उनको कुछ और नंबर्स के अंदर फॉर्मूलाज के जरिए जम करके समहाउ जब पास ऑन किया गया केयरफुली, तो रिजल्टेंट वैल्यूज इक्वल हो गई दोनों तरफ,
और जितना डेटा ओवर द नेटवर्क ट्रेवल किया वो इस काबिल नहीं है कि सी उससे उस हतमी वैल्यू तक पहुंच सके। यही तो इनके मैथमेटिक्स का मैजिक है जो हम अभी देखेंगे भी। मींस के जो प्राइवेट कीज यूज की हैं वो भी पहले से डिफाइंड था कि हमने वही प्राइवेट की ही यूज करेंगे इन नहीं, दिस इज रैंडम एनी, ये कुछ भी हो सकता है। सही, ये जो सीक्रेट कलर्स हैं ये जरूरी नहीं है जो डिफाइंड है यही होंगे। अगर डिफाइंड है तो वो तो पता लग ही जाएंगे सी को कि वो तो फिक्स हैं जी दुनिया में, वो रेड और सियान कलर ही हैं, तो बस इन्हीं को यूज करना है। ये इस एग्जांपल में आपको ये दो कलर्स नजर आ रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में ये बदल भी सकते हैं आप।